हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये व्लॉग कल का है पर आज मैं अपलोड करने वाली हूँ शाम को, तो हैप्पी न्यू ईयर एंड विश ये ईयर आपको सारी सुख, सारी हैप्पीनेस और सारी सक्सेस यू डिज़र्व वो सारा दे आपको। तो हम निकल पड़े हमारे बेबी इवान को लेके उसके फर्स्ट ट्रिप पे। अरे इसका निकनेम है क्या 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 इसका निकनेम है बाबाली ये है 31st दिसंबर लास्ट डे ऑफ 2023। तो अभी हम आए हैं कोणार्क टेम्पल विथ माय फ्रेंड्स। मैं आया है घूमने हिले बाबू तो 31 दिसंबर इस बार संडे को तो काफ़ी सारे बच्चे अपने पिकनिक बनाने के लिए आए थे। इसको देख के हमारी बचपन याद आ गया पर हम कभी आए नहीं थे, दो सो सैड पर हैप्पी फॉर देम। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप यहाँ पे हैंडमेड सारी चीज़ें ले सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। और हम यहाँ पे आके हमारी आँख लग ही जाती है। देन हुए हम जा रहे हैं अंदर। रॉयल एनफील्ड इवान्स फर्स्ट ट्रिप बहुत भीड़ है। सो फर्स्ट क्लास से एंट्री करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा टिकट काउंटर, वहाँ पे जाके आपको टिकट करना है। पर पर्सन 40 रुपीज़ हो गया है, देख सकते हो कितने सारे लोग हैं। फिर वहाँ पे आगे पे जो चेक पॉइंट है वहाँ पे हमको टिकट देख के अंदर जाना है। मैंने बोली हम घूम रहे हैं इवान के साथ, पता नहीं और कौन क्या बोलेगा। हाय मेरी बेबी, हाय मेरी बेबी, हेलो 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 हेलो। जितना पास आओगे उतना ही जाइगेंटिक लगता है और बहुत आश्चर्य भी होता है, इतना सारा कल्चर, इतना सारा, इतना बड़ा टेंपल कैसे बनाए थे। तो मेन टेंपल तो अभी है नहीं, पर जितना भी आपको देखोगे तो हमेशा शॉकिंग लगता है, हमेशा अच्छा लगता है और मिसमराइज लगता है। यह नीचे का नजारा, कल न्यू ईयर है गाइस तो भीड़ देख सकते हो। अभी ऊपर जाती हूँ। आ गए मैं ऊपर। ये लोग हैं सनसेट का टाइम हो गया था। सनसेट के साथ सन टेम्पल का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा। मैंने कितने वीडियोस और फोटोज लिए एक इमेजिन नहीं कर सकते हो। न्यू ईयर के टाइम के कारण बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ यहाँ पे। आई थिंक 5-6 ईयर्स हो गए हैं अंदर नहीं आई थी, बार बार से चले जाते थे।
वो बाकी सारे नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं ऊपर आई थी घूमने के लिए, अभी जाती हूँ उनके पास। सडन प्लान बन गया कहाँ जाना है कहाँ जाना है करके। तो यस फाइनली राज कुमार, बड़े बड़े सीढ़ी हैं। अभी ढूंढती हूँ कहाँ गए कहाँ, बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं। फोटो सेशन ये वीडियो है पगुल गंदा था सेडी जाऊनु भाई एबी बे तो मंत्र पढ़ते सुई पढ़ते सुई बहुत ये नहीं है यार सीढ़ी जा। अभी आए हैं हम इस तरफ, हां कोई बंदा आता ना इस तरफ देखे बटन हां ठीक है। इतने लोग हैं देखिए, अभी हम जाएंगे उस तरफ जाने के लिए। अरे बहुत भीड़ है चोरी बोरी का, बहुत जाना चाहिए। काम करते हुए हमारे दोस्त शूट करते हैं मिस्टर बॉडी वांगडू। मैं हमेशा वंडर करती हूँ अगर मेन टेंपल होता कोणार्क का तो कितना और कितना बड़ा हो सकता था, और भी शॉकिंग और भी अमेजिंग होता काश। 3 में कुछ सही हो या ना हो, लास्ट डे तो फाइनली फ्रेंड्स के साथ हूँ तो अच्छा लग रहा है। ओ हमारे इवान भी है हमारे साथ, तो इट्स वी आर वेरी हैप्पी। ये तो हर कोई बेट लगा सकता है 13 सेंचुरी का ये टेंपल जितना जाइगेंटिक है, ऐसा कोई चीज़ बन नहीं सकता। आई वंडर व्हाई ये सारे 7th वंडर में क्यों नहीं आते, ये वाला कारीगरी और इतने बड़े बड़े पत्थर में जो भी आर्किटेक्ट बनाया गया है, कुछ भी ड्रोन्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, क्रेन्स नहीं था कुछ नहीं, पता नहीं कैसे बनाए हैं, इतने अच्छे से बनाए हैं और इतने सालों तक अभी है और आगे कई सेंचुरी तक ये रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है जिसको उसको प्रोटेक्ट करके रख सके, काम कर रहे हैं कुछ कुछ अवशेष को सेव करने के लिए, जितना लोग देख पा रहे हैं उतने कल्चर के हिसाब से जान पाए। आई होप ये सारा चीज़ डिटेल में हमारे स्टडी बुक में रहे हमारे कल्चर पर, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वही है कि नरसिंह देव ने ये बनाया था, ये हुआ था वो होता, पर डिटेलिंग में कितने लोग लगे थे, क्या है, क्या हिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है इसका, सारा आई थिंक बच्चे लोगों को पता होना चाहिए। तो जितना देख के ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब आश्चर्य ज़्यादा लगता है, ब्यूटीफुल कहना वाजिब नहीं होगा, पर इट्स शॉकिंग द आर्किटेक्ट एंड द कल्चर एंड द आर्टिस्ट जो भी थे उस टाइम में जिन्होंने बनाया था, जैसे विश्व महाराणा एंड देयर टीम, हमने पता हमको जितना पढ़ाया गया था 1200 कारीगर लगे हुए थे, तो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ। छाया देवी टेम्पल, जैसे हर बड़े मंदिर के साइड में बहुत सारे पार्श्व देवी देवता रहते थे, यहाँ पे छाया देवी टेम्पल करके है, पर यह टेम्पल पूरा भग्न है, कुछ ही अवशेष उसके बचे हुए हैं, तो पता नहीं इसका क्या हिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है और कौन से देवी को यहाँ पे रखने वाले थे। फिर भी हम आए यहाँ पे, अंदर घूम के जा रहे थे, इतना ही अवशेष यहाँ पे बचा हुआ है। ଲି ଭାବିଲି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି, ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଭାବିଲା ଛାୟା ଦେଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଇପଟି ଗୋଟେ ଆସୁଛି। छाया देवी टेम्पल के पास खड़े होकर आप देखोगे तो बैक साइड टेम्पल का दिख रहा है, जो कि मेन टेम्पल जो कि
पूरा बर्बाद हो चुका है, बर्बाद किया गया है। देखिए उस वक्त थोड़ा ही कुछ अवशेष बचा हुआ है, मतलब कितना ह्यूज होता वो अगर होता तो। अभी बैक साइड ऑफ द टेंपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो बगिया लोहे के लगे हुए हैं, क्रेन्स एंड ऑल, ये सारे काम चल रहा है। जैसे कि हम इसको और कई सालों तक सेव करके रख सकते हैं हमारे जनरेशन के लिए, कि वो देख पाए हमारा कल्चर, उड़ीसा का कल्चर, उड़ीसा के कारीगर कितने अमेजिंग थे, इररिप्लेसेबल थे। तो हमने बहुत सारा एरिया सारा ऑलमोस्ट देख लिया, अभी टाइम टू गो। देख लिया हमने। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अब आपका साल बहुत ही अच्छा जाए। अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, और 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नवग्रह टेम्पल भी आप सामने ही है रस्तान गेट के पास, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो नवग्रह टेम्पल। और यहाँ पे ढेर सारे शॉपिंग की चीज़ें हैं, आप आके शॉपिंग कीजिए, बच्चे लोगों को ये हमारा कल्चर ज़रूर दिखाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।